हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज के वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। थोड़ा बेसिक सा है लेकिन आप लोग के पिछले एग्जाम्स में आ चुका है, बैफ वालों को, एसवाई बैफ वालों को और सीए इंटर वालों को भी और बीकॉम वालों को भी आ चुका है। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन फ्लैश कर रहा हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, चाहे वो बैफ हो, बीएमएस हो, बीकॉम हो, बीबीआई हो, कोई भी हो, सीए इंटर हो या जो भी हो, जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टॉपिक है, वो लोग ये सीरीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको अपने क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली तौर पे भी इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है पिछले फर्स्ट वीडियो में, वो प्रैक्टिकल तौर पे ही समझाने की कोशिश किया है ताकि आप लोग को इसको इम्प्लीमेंट करने में भी आसानी हो, ताकि आप लोग इसको एक ओवरव्यू सिनेरियो, मतलब ना कोई एक प्रोजेक्ट को लेके आप लोग उसको समझ सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन फ्लैश करता हूँ। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग उसको स्नैपशॉट ले सकते हैं, वो आप लोग क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन कंपनी टू का कॉन्ट्रैक्ट एट एन एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ 108 लाख। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है और कितने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में 108 लाख, मतलब 108 और फिर लाख का मतलब होता है 50, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इनडायरेक्टली अगर चेक करेंगे हम तो 1 करोड़ 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। कितना कॉन्ट्रैक्ट है, 1 करोड़ 8 लाख का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। आगे लिखा है विच इंक्लूड्स अ बजट प्रॉफिट ऑफ 18 लाख, तो हम लोग को बजटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट हम लोग लिख लेते हैं लेकिन वो बजटेड प्रॉफिट है, ठीक है। कितना दिया हुआ है वो 18 लाख, मतलब अंदाजन प्रॉफिट है का कि इतना प्रॉफिट इस पे हो सकता है, तो ये उन्होंने हम लोग लिख लिया 18 लाख बजटेड प्रॉफिट। नेक्स्ट है द रिलेवेंट डेटा फॉर ईयर एंडिंग 31st मार्च 2018, जो डेटा जो दिया हुआ 31st मार्च 2018, तो याद रखना हाँ, आर एज अंडर। तो हम लोग को लिखा है मटेरियल इशू टू साइट। अगर आप लोग ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, अभी भी एक्सप्लेन देता हूँ, लेकिन जरूरी है कि आप लोग पिछला वीडियो देख लो ताकि आप लोग को इसका बेसिक समझ जाए। टेंशन जरा भी मत लेना, एकदम अच्छा चैप्टर है, बहुत आसान है। वैसे तो सारे चैप्टर्स आसान है, जैसा मैंने आप लोग को पिछले 2 चैप्टर्स आप लोग को बताया है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर और फिर आप लोग का मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। तो आप लोग ने अगर वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग बजट प्रॉफिट, सॉरी क्या क्या पोस्टिंग आएगी। तो आप लोग को याद रखना है कि डेबिट में आप लोग के सारे एक्सपेंसेस रहेंगे, क्रेडिट में सारे आप लोग की इनकम्स या बची हुई चीजें जो आप लोग का बच जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक वगैरह। तो देखिए मटेरियल इशू टू साइट, मटेरियल इशू हुआ साइट को, तो कहाँ पे आएगा, डेबिट में। अगर कोई चीज आएगा तो यहाँ पे डेबिट में लिखना है, तो क्या लिखा है मटेरियल इशू टू साइट, वहाँ पे आप लोग मार्किंग कर लेंगे डेबिट में। अभी जो ऊपर की 2 इन्फॉर्मेशन थी उसकी पोस्टिंग नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको साइड में लेके रखा है, बाद में काम आएगा। चलिए डायरेक्ट वेजेस पेड एक्सपेंसेस है, डेबिट में आएगा। प्लांट हायर्ड, प्लांट जो होता है आप लोग का मशीन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट में आया है तो डेबिट में लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए डेबिट में। साइट ऑफिस कॉस्ट, साइट ऑफिस का कॉस्ट है आप लोग का, तो खर्चा है डेबिट में लिख देंगे। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल साइट से क्या हो गया, रिटर्न हो गया, तो मतलब ये उल्टा है, तो मटेरियल रिटर्न कहाँ पे आएगा आप लोग का, यहाँ पे आएगा, क्लियर है। तो जरा देखिए कितने का है वो मटेरियल रिटर्न आप लोग का, 100 नहीं, एक्चुअली वो ऊपर 3 जीरो दिया हुआ, थाउजेंड्स, तो इसका मतलब वो 1 लाख है, 3 जीरो लगाना पड़ेगा ना। तो मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट यहाँ पे आएगा, आया तो यहाँ पे था, गया तो यहाँ पे है। मटेरियल अगर मेरे पास आया था हमारी साइट के पास, हमने डेबिट में लिखे थे, गया तो कहाँ पे लिखे, क्रेडिट में लिखे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट में आ जाएगा, एक्सपेंस है। वर्क सर्टिफाइड मतलब हम लोग को हमारे कॉन्ट्रैक्ट को जब वो चेक करता है, सॉरी हमारे जो काम को चेक करता है, तो जो भी इंजीनियर आता है या जो भी बोलता है ऑडिटर आता है, वो चेक करके बताता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का काम कितना परसेंट हुआ है, तो हम लोग को सर्टिफिकेट देता है वो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड जो होता है हमारे लिए एक तरह से असेट है, क्योंकि उतना काम हो गया मतलब उतना पैसा हम लोग को मिलने वाला है, तो असेट्स की पोस्टिंग हम लोग यहाँ लिखते हैं क्योंकि वो बचा हुआ चीज़ है, हम लोग का काम हो गया, कंप्लीट हो गया, क्लियर है, याद रखना। आगे प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, तो हम लोग को पेमेंट रिसीव हुआ है, कितना रिसीव हुआ, 7200, मतलब वो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 72 लाख हो जाएगा शायद, अगर आप लोग कन्वर्ट करेंगे तो 2 जीरो 3 जीरो लगाना है आप लोग को। आगे लिखा हुआ स्पेशल प्लांट वॉज परचेज स्पेसिफिकली फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट, एक जो प्लांट है वो स्पेसिफिकली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदा गया है, तो कितने का जरा वो देखिए, वो आप लोग का है 8 लाख का, तो कॉन्ट्रैक्ट प्लांट आया तो डेबिट में लिख देंगे 8 लाख। आगे लिखा है आफ्टर यूज ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट टिल देन 31 मार्च इट वैल्यूड 5 लाख, और उसको यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू बची है वो ईयर एंड में कितनी बची, 5 लाख की, तो अपनी यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग यहाँ लिखेंगे उसका। आगे लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ मेटल एट द साइट एट द एंड, बचा हुआ मतलब बचा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, किस में लिखेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस आप लोग की एक हेडिंग थी पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था, तो उसमें आप लोग को लिखना रहेगा इसको।
फिर लिखा है आप लोग का डायरेक्ट वेजेस अक्रूड वॉज 1,10,000। अक्रूड मतलब डायरेक्ट वेजेस का आप लोग का बाकी था, आप लोग को देना है, तो इसलिए आप लोग का डायरेक्ट वेजेस में आप लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। आगे लिखा है, आगे कुछ चीज़ नहीं लिखा है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2018 एंड कंप्यूट द प्रॉफिट टू बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाना है उसके लिए भी मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया है, वापस आज भी समझाऊंगा, टेंशन जरा भी मत लो। इसलिए मैंने लिख लिया यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द एंड 31 मार्च 2018। क्लियर है क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन पढ़ लेने का क्या क्या बोल रहा है। अब हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग हर एक चीज़ के हम लोग मार्किंग करके रखे हैं। सब में पहले दिया मटर इशू टू साइट, तो मटेरियल आया तो डेबिट में लिख देंगे टू मटेरियल इशूड टू साइट। क्लियर है, कितने का मटेरियल है जरा देखिए, 5,000 है और ऊपर अब 30 पहले से दिया हुआ है तो मैं 30 लगा रहा हूँ। अब आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 5,000 यहाँ पे दिया हुआ है और ऊपर देखिए आप लोग क्वेश्चन में 30 लगा के दिया पहले से, इन थाउजेंड्स मैं पूरा के पूरा अमाउंट लिख रहा हूँ, इन थाउजेंड नहीं डाल रहा हूँ, तो वो बहुत कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कन्वर्ट करने में, इसलिए मैं पूरा के पूरा अमाउंट डाल रहा हूँ। सिंपल सिंपल जो भी तारीख लिख दिया, इसलिए यहाँ पे भी पूरा लिखा मैंने, यहाँ पे भी पूरा लिखा, यहाँ पे भी पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ कम ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो मटेरियल इशू टू साइट 50 लाख। नेक्स्ट है आप लोग का डायरेक्ट वेजेस पेड, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेंसेस है वो आप लोग का डेबिट में डायरेक्ट वेजेस पेड। अब डायरेक्ट वेजेस का आप लोग का अमाउंट दिया हुआ 38 बराबर है, तो 38 है आप लोग का, तो वो लिख लेता हूँ मैं 38 और उसके आगे कितनी जीरो डालूंगा, 3,800 कितनी जीरो है, 1, 2, 3, तो ये होगा 38 लाख। प्लस आप लोग का नीचे था, आप लोग का देखिए एडजस्टमेंट में था ना कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, क्या लिखा था आप लोग का, डायरेक्ट वेजेस अक्रूड ऑन 31 मार्च 1,10,000, तो 1,10,000 का अक्रूड भी है वो भी लिखना है आप लोग को, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1,10,000, तो ये भी मैं मेंशन कर लेता हूँ, दोनों को प्लस करके मैं लिख लूंगा कितना होता है डायरेक्टली 1,10,000 और ये हो गया 39,10,000। तो ये आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं, बहुत लोग अलग अलग भी मेंशन करेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट वेजेस पेड और डायरेक्ट वेजेस अक्रूड अलग अलग मेंशन करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्या होता है हम लोग जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे या पिछले 11, 12, 13, 14 में करते थे, अगर उससे रिलेटेड टर्म है तो उसको हम लोग क्या करते थे उसमें आके ऐड कर लेते, आउटस्टैंडिंग होता था, तो अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग ही है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे, अक्रूड का मतलब वैसे तो मीनिंग बहुत लंबा है लेकिन अभी आप लोग को इतना ही समझा रहा हूँ ताकि आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट वेजेस पेड हो गया, प्लांट हायर्ड, तो प्लांट आप लोग को आया है, एक्सपेंस लगेगा प्लांट का हायर मतलब भाड़े पे लिया आप लोगों ने, तो चार्जेस देना पड़ेगा, तो डेबिट में लिख देते हैं प्लांट हायर्ड, कितने का प्लांट हायर किया आप लोगों ने, देख लिया देखिए 700, तो 700 मतलब आगे आप लोग के 30 आप लोग को लगाना है, तो ये हो गया आप लोग का 7 लाख। नेक्स्ट है आप लोग का साइट ऑफिस कॉस्ट, ये भी कॉस्ट है तो लिख लेंगे टू साइट ऑफिस कॉस्ट, ये कितना है 270, तो इसके आगे 30 तो ये हो गया 2,70,000। उसके बाद दिया हमें मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, मटेरियल क्या हो रहा है रिटर्न जा रहा है आप लोग की साइट से, तो आया तो डेबिट में, गया तो कहाँ पे लिखेंगे आप लोग, क्रेडिट में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय मटेरियल रिटर्न फ्रॉम साइट, रिटर्न फ्रॉम साइट, साइट से चले गया तो कितना आ गया आप लोग का 100 दिया हुआ, 100 मतलब 1 लाख, क्योंकि 30 आप लोग को लगाना है ना उसके बाद। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है डेबिट में आएगा, लिख लेते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कितना दिया हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आप लोग का 500 मतलब 30 लगाना है तो 5 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट है आप लोग का वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड में आप लोग को कितना वर्क का सर्टिफिकेशन मिला है, तो वो आप लोग के लिए असेट होता है, यहाँ आप लोग यहाँ लिखने हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में आप लोग को चार चीज़ें लिखना रहती है, मैंने आप लोग को बताया था, नहीं याद है तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। सब में पहले आता है आप लोग का मटेरियल एट द एंड, कितने का मटेरियल बचा, प्लांट एट दी एंड कितने का प्लांट बचा है, प्लांट मतलब मल्टीपल इनफैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलता है तो साल के एंड में मशीनरी बचती है ना, जो भी मतलब आप लोगों का प्लांट रहेगा, अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अगर आप लोग कोई बिल्डिंग वगैरह बनते हुए देखे होंगे तो वहाँ पे वो मिक्सर रहता है सीमेंट का मिक्सर, वो सब प्लांट में आएगा बराबर है।
फिर आप लोग आएगा वर्क सर्टिफाइड, कितना आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया वो भी आप लोग के लिए बची हुई चीज़ है असेट्स है, क्योंकि उसमें आप लोगों ने अपना मेटल बाकी चीज़ पैसा क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है, तो उसका पैसा आप लोग को मिलेगा, तो मतलब आप लोग के लिए असेट रहेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे लिखते हैं वर्क इन प्रोग्रेस में, क्लियर है। फिर उसके अंदर वर्क अनसर्टिफाइड लिखते हैं, मतलब क्या होता है जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का काम होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का ऑडिटर आप लोग को पूरी पूरे वैल्यू की सर्टिफिकेशन नहीं देता है, कुछ वैल्यू की कम देता है, तो जो वैल्यू आप लोग का अनसर्टिफाइड है वो भी आप लोग मेंशन करते हो, क्योंकि उसमें भी आप लोग ने काम कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसको भी आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस में मेंशन करते हो, क्लियर है। चलिए हाँ, काम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप लोग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं लिखोगे, फिर आप लोग लिखोगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी मतलब जिसने कॉन्ट्रैक्ट हम लोग को दिया है उससे पैसा लेना है, तो फिर उसका नाम हम लोग लिख के पूरा अमाउंट मेंशन कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का पूरा अमाउंट, जब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी इसलिए वर्क इन प्रोग्रेस लिखेंगे। तो चलिए आप लोगों को चारों चीज़ मैं लिख लेता हूँ वर्क इन प्रोग्रेस की, समय पहले आप लोग का मटेरियल एट द एंड, तो मटेरियल एट साइट, ये ओपनिंग है और ये क्या है क्लोजिंग है, हम प्लांट एट साइट वर्क सर्टिफाइड, क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, चाहिए तो आप लोग लिख सकते हो और फिर डैश कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले से मेंशन कर दोगे तो चलेगा। चलिए वर्क सर्टिफाइड आप लोग को दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 मतलब ये आप लोग ने 10,000 लिख दिए और उसके आगे 30 डालना है आप लोग को, क्योंकि आप लोग को देखिए ऊपर कॉलम में लिखा था 30 है पहले से, बराबर ना, तो ये हो गया आप लोग का 1 करोड़, क्लियर है। वर्क सर्टिफिकेट आप लोग का 1 करोड़ का। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, पेमेंट रिसीव्ड मतलब कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड की हम लोग पोस्टिंग यहाँ नहीं करते हैं, वो कैलकुलेशन में काम आता है, तो 7,200 आगे आ जाएंगे आप लोग के 30, तो ये हो गया आप लोग का 72 लाख रुपीज़ आप लोग को क्या हो गया रिसीव हो गए। आगे लिखा है स्पेशल प्लांट वॉज परचेज स्पेसिफिकली दिस कॉन्ट्रैक्ट, एक प्लांट आप लोग ने खरीदे तो प्लांट आया तो डेबिट में लिख लेंगे, टू स्पेशल प्लांट, कितने का है स्पेशल प्लांट आप लोग का 8 लाख का, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 8 लाख, क्लियर है। फिर आगे लिखा है आफ्टर द यूज ऑन द कॉन्ट्रैक्ट टिल द एंड 31 मार्च 2018 तक उसको इस्तेमाल करें और उसकी वैल्यू कितनी बची 5 लाख की, तो मतलब साल के एंड में कितनी की वैल्यू बची है उसको 5 लाख, तो उसको आप लोग को मेंशन करना है 5 लाख। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे भी प्लांट नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे भी प्लांट नहीं दिखाएंगे, हाँ सुन लो क्या बोला हूँ मैं, दूसरा तरीका भी है इसको मेंशन करने का, क्या प्लांट यहाँ पे भी शो नहीं करेंगे, यहाँ पे भी शो नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 8 लाख है और यहाँ पे 5 लाख है, इनडायरेक्टली मतलब डेबिट में कितना है 3 लाख है, तो दोनों को हटा देंगे और डायरेक्टली लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, 8 माइनस 5 कितना होता है 3 लाख, क्योंकि देखो ना सिंपल सी बात है 8 लाख का प्लांट साल के स्टार्ट में आया था, साल के एंड में कितना बचा है 5 लाख का बचा है वैल्यू उसकी, साल के जब स्टार्ट में आया था तो वो 8 लाख का था, साल के आखिर में उसकी वैल्यू कितनी बची 5 लाख, मतलब साल भर में जो उसको इस्तेमाल हुआ तो उस पर डेप्रिसिएशन कितने का लगा है 3 लाख रुपये का, क्योंकि उसके 3 लाख की वैल्यू क्या हो गई कम हो गई। इनडायरेक्टली डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि वैल्यू जो क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की सॉरी कोई भी प्लांट की या कोई भी एसेट की वैल्यू क्या होती है जो कम होती है उसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, तो 8 से 5 हो गया मतलब 3 लाख की वैल्यू कम हुई, तो बहुत लोग ये 8 भी मेंशन नहीं करेंगे 5 भी मेंशन नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन प्लांट 3 लाख, ठीक है ना, यहाँ भी मेंशन नहीं करने का, यहाँ भी मेंशन नहीं करने का, डायरेक्टली 3 लाख, इनडायरेक्टली देखोगे तो भी 3 लाख ही हो रहा है, 8 लाख इधर है डेबिट में 5 लाख इधर है, तो बैलेंस जब करोगे दोनों को खाली तो समझोगे 3 लाख ही इधर बचेगा ना, तो ऐसा भी हो सकता है, जैसा आपकी मर्जी। हाँ आगे द कमेंट द कॉस्ट ऑफ मेटल एट द साइट एट द एंड, तो साइट के एंड पे लास्ट में मेटल बचा हुआ है कितने का बचा है 18 लाख का, तो मेटल एट द एंड यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 18 लाख, तो ये हो गया आप लोग का लगभग पोस्टिंग सारी पूरी डायरेक्ट वेजेस अक्रूड हो तो हमने ऑलरेडी इसमें ले चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे इसको टोटल करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग देखें कि प्रॉफिट आ रहा है कि क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे टोटल करते हैं, यहाँ पे है 50 लाख आप लोग का, यहाँ का टोटल आप लोग का आ गया 1,11,80,000, अगर आप लोग टोटल करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा, ठीक है, और यहाँ का आ गया आप लोग का 1 करोड़ 24 लाख, बराबर है। अगर आप लोग इसको माइनस करेंगे तो आप लोग का आंसर आएगा, देखिए 1 करोड़ 24 लाख माइनस 1,11,80,000 तो आता है आप लोग का 12,20,000, तो आप लोग का जैसा आप लोग का टैली का रूल था वैसा आप लोग टोटल करेंगे। देखिए कैसा करते थे, अगर आप लोग को नहीं पता है तो याद दिखा लूँगा,
यहाँ का टोटल आया 1 करोड़ 24 लाख और यहाँ का टोटल आया 1 करोड़ 11 लाख 80,000। तो ज़्यादा कौन सा है 1 करोड़ 11 लाख के 1 करोड़ 24 लाख, तो 1 करोड़ 24 लाख दोनों साइड लिख देंगे 1 करोड़ 24 लाख। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 करोड़ 24 लाख बराबर है, और यहाँ पे भी लिख दिया 1 करोड़ 24 लाख, क्योंकि जो ज़्यादा लेता है वो दोनों साइड हम लोग लिखते हैं, ये अकाउंटिंग का हम लोग का टैली का रूल है बराबर ना। अब ज़्यादा में से कम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये ज़्यादा है ये कम है, तो बैलेंस आ जाएगा आप लोग का 12,20,000। तो 12,20,000 तो ये आ गया आप लोग का बैलेंस। तो इसको हम लोग बोलते हैं टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन बराबर है। अब सवाल उठता है बहुत लोग को, सर ये नोशनल प्रॉफिट क्यों बोलते हैं आप लोग, इसको प्रॉफिट क्यों नहीं बोलते? तो नोशनल प्रॉफिट इसलिए बोलते हैं कि अभी ये एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट अगले साल भी चलेगा, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा खर्चा आ जावे, महंगाई बढ़ जावे, कुछ भी हो जाए। तो अगर पूरा के पूरा हम लोग प्रॉफिट कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा कि आगे चल के कुछ बड़ा खर्चा आ सकता है, कुछ कॉन्टीजेंसी आ सकती है, कुछ डिले हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको पूरा के पूरा पैसा को प्रॉफिट कंसिडर नहीं करते हैं, उसको नोशनल प्रॉफिट करते हैं। फिर नोशनल प्रॉफिट को कंसिडर करके अगले सब उसको ट्रांसफर लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसमें से कितना पैसा हम लोग, मतलब वो फॉर्मेट दिया हम लोग, जो आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो फॉर्मेट के बेस पे हम लोग फिर उसकी पोस्टिंग करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए आप लोग का नोशनल प्रॉफिट को क्या करेंगे, यहाँ पे आए तो उसको ट्रांसफर कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो उसको लिखेंगे बाय नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट आप लोग का जो अमाउंट दिया हुआ है 12,20,000, मतलब आप लोगों ने अमाउंट दिया नहीं है, एक लोगों ने टैली करके निकाला है, ठीक है, पोस्टिंग कर लिया। अब क्या करना है, जो नोशनल प्रॉफिट है अब चेक करना है कि कितना पैसा हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, उसमें से मतलब इसके दो हिस्से करना है, कुछ पैसा प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, कुछ पैसा कहाँ डालना है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में डालना है, मतलब कि इस पर अभी एग्जैक्ट प्रॉफिट बोल सकते नहीं है। तो इसको हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो अब इसको टैली करना है हम लोग को, ये जो अमाउंट है इसको दो हिस्सों में बांटना है, कौन से अमाउंट को, ये नोशनल प्रॉफिट के अमाउंट को दो हिस्सों में बांटना है। अब वो बांटने का तरीका क्या है, उसके दो स्टेप हैं, अगर आप लोग को याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी बताऊंगा, जरा आप लोग ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए कैसे आप लोग समझेंगे कि नोशनल प्रॉफिट तो आ गया। अब इसको मोस्टली छोड़ क्या करते हैं, इतना निकालते हैं यार, प्रॉफिट निकालते ही नहीं है, लेकिन इतना सिंपल सी चीज़ है, अगर आप लोग, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट की तरह बिहेव करो ना, ताकि आप लोग मतलब सामने वाले समझे, मतलब आप लोग को भी इतना फील आना चाहिए कि हम लोग इतना साल से पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग और सिंपल से टैली नहीं कर पाते और उसको छोड़ देते हैं, और कोई टीचर उसको भी बोलते सुना मैंने कि टैली मत करो, और टैली क्यों नहीं करेंगे, अगर टैली नहीं करना है तो ये जो पोस्टिंग है, अगर मैं सच बोलूँगा तो, अगर जो भी चीज़ें मैंने पोस्टिंग किया जो समझाया, कोई भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड आईटी का हो, कोई भी फील्ड का हो, साइंस का कुछ भी हो, उसको दो लेक्चर अगर बिठा दूंगा तो वो भी कर लेगा, तो फिर आप में और आपके 5 साल में और उसके 2 दिन में क्या फ़र्क रहेगा? तो फर्क यही है ना कि आप लोग को उसको बेसिकली मतलब ना प्रैक्टिकली उसके पीछे का बैकग्राउंड वगैरह मालूम है, टैली कैसा करना है, पोस्टिंग कैसा करना है, वो सब चीज़ आप लोग को पता है। तो आप लोग फिर अगर आप सिंपल सी बात, अगर समझो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को देखता हूँ कॉमर्स वाले लोग का यही प्रॉब्लम है कि कोशिश बोलते हैं कि सर हम लोग को जॉब नहीं मिलती है या बी कॉम करके कुछ नहीं होता है, तो प्रॉब्लम यही है कि आप लोग उस जो भी आप लोग फील्ड चूज़ किए हो, चाहे बी कॉम हो, बैफ हो, बीएमएस हो, आप लोग उसमें स्पेशलाइज नहीं हो, तो सिर्फ आप लोग किसी के बोलने पे या बोलने खाली ऐसे टाइम पास करने के लिए आप लोग ज्वाइन कर रहे हो, आप लोग उसमें स्पेशलाइज नहीं हो। अगर एक डॉक्टर डॉक्टरी कर रहा है तो सिंपल सी बात है उसके जो भी उसने डॉक्टरी में पढ़ा है तो उसको पता नहीं होगा, तो क्या उसको कोई अपने क्लिनिक में अवेलेबल ना कोई अपने हॉस्पिटल में लेगा क्या? नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। तो अगर आप लोग अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, बीकॉम लिए हो, बैफ लिए हो, जो भी आपका फील्ड है, फाइनेंस हो, बीएमएस हो, फाइनेंस लिए हो आपने, तो आप लोग को सेम जो आप लोग को जिस फील्ड में आप लोग पढ़ रहे हो उसके बारे में ही नॉलेज नहीं है, तो फिर आप लोग को जॉब कौन देगा? सिंपल सी बात है, फिर वही सेल्स वेल्स की जॉब मिलता ना, फील्ड सेल्स वगैरह वगैरह करने की जॉब मिलेगी, एग्जैक्ट जो आप लोग की फील्ड की जॉब है, जो इसमें आप लोग स्पेशलाइजेशन आपने किया है उसमें आप लोग को जॉब नहीं मिलेगी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग अपने फील्ड के बारे में जॉब करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप लोग को अपनी फील्ड में क्या करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन ना उसके बारे में सीखना पड़ेगा ना। डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में नहीं मालूम, अगर उसको डॉक्टरी के बारे में नहीं मालूम, मेडिसिन के बारे में नहीं मालूम है, बीमारियों को रीज़न नहीं मालूम है, तो फिर क्या करूँगा डॉक्टर को? एक आर्किटेक्चर है, उसको अपने बोलते हैं आर्किटेक्चर डायग्राम कैसा बनेगा, अगर वो सब उसको पता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है?
एक मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको मैकेनिक्स के बारे में, मशीन के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो फिर क्या काम का मैकेनिकल इंजीनियर हो। वैसे आप लोगों कॉमर्स ले लिया हो लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि इसके अंदर की क्या क्या चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। कुछ सिंपल से टैली करने बोलते हो तो 90% स्टूडेंट और फिर टीचर लोग भी यही बोलते फिर तो घूमते हैं कि टैली मत करना, मार्क्स कट जाएगा। क्या मार्क्स कट जाएगा, कितना कटेगा, एक कटेगा, दो कटेगा मार्क्स, लेकिन आप लोग की ज़िंदगी तो ख़राब हो रही ना उससे, क्योंकि आप लोग हमेशा से वही ट्रेंड बना लिया हो 11th 12th से ही, तो उससे आप लोग को प्रॉब्लम होगा। मेरा काम है समझाने का, अगर आप लोग को मेरी बात थोड़ा मतलब ना चुभेगी तो हो सकता है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ तो आप लोग को थोड़ा आइडिया आएगा कि आप लोग मतलब ना खुद को एनालाइज़ करना बहुत बड़ा काम होता है, खुद की गलती निकालना, ठीक है, उसको एनालाइज़ करो और कोशिश करो कि हम लोग इम्प्रूव करें, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ज़्यादा हो गया ज्ञान के बारे में तो माफ़ी चाहता हूँ अगर आप लोग को बुरा लगा हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अब आप लोग को मैंने बताया नोशनल प्रॉफिट आ गया, अब इसको दो हिस्सों में बांटना है, मतलब कुछ हिस्सा प्रॉफिट लॉस बनाना है, कुछ वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है। उसके लिए दो स्टेप हैं। पहला स्टेप एकदम सिंपल सा है, निकालना है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड का जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से कितना परसेंट है। तो पहले ऊपर क्या लिखना है आप लोग को यहीं से मालूम मिलेगा, वर्क सर्टिफाइड है आप लोग का 72 लाख, तो ये मैंने मेंशन कर दिया 72 लाख, बराबर है। नीचे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज किससे कंपेयर करने का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ऊपर वर्क सर्टिफाइड लिखने का, नीचे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखने का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है आप लोग का 1 करोड़ 18 लाख है, नहीं सॉरी 1 करोड़ 18 लाख नहीं है, 1 करोड़ 8 लाख है, बराबर है। इनटू क्या करना आप लोग को परसेंट निकालने में, 100, बराबर है ना। तो वर्क सर्टिफाइड, सॉरी मैंने गलती का, वर्क सर्टिफाइड 720 नहीं है आप लोग का, वर्क सर्टिफाइड कितना है आप लोग का 1 करोड़ है, सॉरी माय मिस्टेक, ज़्यादा में बह गया, ओह कोई बात नहीं। तो आप लोग का वर्क सर्टिफाइड कितना है आप लोग का 1 करोड़, और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है आप लोग का 1 करोड़ 8 लाख। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो आप लोग पता चलेगा कि 1 करोड़ / 1 करोड़ 8 लाख 108 बराबर है, और दबाना है आप लोग को परसेंटेज, तो आ गया आप लोग का 92.59, और आगे बहुत डेसिमल से तो छोड़ दीजिए उसको, तो कितना आ गया 92.59। जैसे ही ये 92.59 आएगा तो वैसे ही आप लोग के दिमाग में और आप लोग का स्लैब आना चाहिए कि 0 से लेकर 25 तक कितना था, 25 से लेकर 50 तक कितना था, 50 से लेकर 90 तक क्या फॉर्मूला था, और 90 के ऊपर कितना फॉर्मूला, अभी कौन सा आ गया हम लोग का 90 से ज़्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं नियर बाय कंप्लीट, बराबर ना। तो उसका सेकंड स्टेप था, सेकंड जो था अमाउंट ट्रांसफरेबल टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि कितना अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसका फॉर्मूला था पहले आप लोग का बजटेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला था आप लोग का, क्या था, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो आप लोग का बजटेड प्रॉफिट जो आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वो है 18 लाख डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड आप लोग का कितना है देखिए जरा 72 कहेंगे आप लोग का ये, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, पहले 18 लाख इंटू 72 लाख, नीचे है आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप लोग का 1 करोड़ 8 लाख, बराबर है। तो पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई मत कीजिए, पहले क्या कर लीजिए आप लोग जीरो कॉमन जीरो कट कर लीजिए, कॉमन जीरो कट नहीं करो तो क्या होगा आप लोग का प्रॉब्लम हो सकता है, कैलसी आप लोग का दम तोड़ देगा, मतलब आंसर नहीं आएगा उसमें, उतने जीरो उसमें नहीं है, तो आप लोग कॉमन जीरो कट कीजिए। यहाँ पे कितने जीरो देखिए 5 जीरो है, और यहाँ पे भी कितने जीरो है 5 जीरो है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों 5 जीरो कट कर लेता हूँ, हाँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आप लोग का कितना है 18 लाख इंटू 72 डिवाइड बाय आप लोग का है 108, तो आता है आप लोग का 12 लाख, ये आ गया आप लोग का 12 लाख, क्लियर है। तो 12 लाख रुपीज़ आ गया, मतलब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफर कर सकते हो 12 लाख, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखने का 12 लाख लिखने का, तो ये हो गया आप लोग का इसकी पोस्टिंग अमाउंट आ गया प्रॉफिट एंड लॉस का, कितना आ गया 12 लाख, उस बचा कितना 12 20 में से 12 लाख प्रॉफिट लॉस में जाएगा, बचा कितना अगर देखोगे तो 20 बचा, तो ये 20 आप लोग का आ जाएगा वर्क इन प्रोग्रेस में,
तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन फिनिश। बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बहुत इजी लगेगा। वीडियो में कुछ नहीं समझा है तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियोस को अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा बेटर है स्टूडेंट्स लोग के, आप लोग मतलब आप लोग के फ्रेंड्स सर्कल में, तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिन बाद वीडियो आया है, लेकिन अब कोशिश है मेरी कि रेगुलरली इस हफ्ते में 2-3-4 वीडियो में पोस्ट करते रहूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेके। थैंक यू वेरी मच।